नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं PGIM म्यूचुअल फंड्स के PGIM इंडिया रिटायरमेंट फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है जिसमें लॉक इन पीरियड है 5 साल का या तो फिर रिटायरमेंट एज, दोनों में से जो भी कम है उतना लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल है। तो ये NFO ओपन हुआ है 26 मार्च 2024 को और क्लोज होने वाला है 9 अप्रैल 2024 को। तो इस NFO रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये शुरू करते हैं PGIM इंडिया रिटायरमेंट फंड के बारे में। दोस्तों, रिटायरमेंट जिंदगी का वो पड़ाव है वो सभी की लाइफ में आता है, खास करके सैलराइड पर्सन के लिए। अगर आपके पास बिजनेस है तो आप मरते दम तक बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सैलराइड पर्सन है तो 58 साल के बाद आपको रिटायरमेंट लेना ही है। और रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम जीरो हो जाती है, आपने पहले से ही अच्छी खासी सेविंग्स करके नहीं रखी है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद परेशानी आ सकती है। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, साथ में आपको इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का भी ध्यान रखना है। और रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, इसका नाम है रिटायरमेंट फंड। इस प्रकार की स्कीम के अंदर मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है या तो फिर रिटायरमेंट की एज तक, दोनों में से जो भी पहला है वहां तक का लॉक इन पीरियड होता है। और लॉक इन पीरियड होने की वजह से फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स के लिए टफ कॉल ले सकते हैं। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि BSE में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से इस NFO में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी प्रकार के स्टॉक्स में से जो भी अच्छे स्टॉक्स होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो 75 से लेकर 100% का इन्वेस्टमेंट होने वाला है S&P BSE 500 के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, एंड 0 से 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीड्स एंड इक्विटीज। फंड मैनेजर है मिस्टर विनोद पहाड़िया एंड मिस्टर पुनीत पाल। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस भी आप कर सकते हैं 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। यहाँ पर SIP आप कर सकते हैं मिनिमम 1,000 रुपये से। तो यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल हैं। एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड डिविडेंड, पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड सारे ऑप्शन इस NFO में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड भी नील है, क्योंकि यहाँ पर लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल है। पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान के लिए 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के लिए ही स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे इसके अंदर लॉक इन पीरियड तो एप्लीकेबल है ही। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फंड्स बाजार के जरिए इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी NFO रिव्यू PGIM इंडिया रिटायरमेंट फंड के बारे में। अगर आपको ये NFO रिव्यू पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।